गुड मॉर्निंग, आज की डेट है 25 जनवरी 2018 और हम देख लेते हैं करंट अफेयर की एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2018 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 24 जनवरी को। देखिए, जो यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है उनका लिंगानुपात को सुधारने के लिए, उसके अंदर जागरूकता लाने के लिए इस दिन को यहाँ पे मनाया जाता है और ये हर साल के अंदर 24 जनवरी को मनाया जाता है ताकि यहाँ पे जो लिंगानुपात है उसको सुधारा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में कौन नियुक्त किया गया है। तो वो यहाँ पे किए गए हैं, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, दलीप चेन्नई। देखिए, दलीप चेन्नई को जो कि वाणिज्य उद्योग संघ के एक फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स के एक नए महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में अगर इनके बारे में हम बात करें तो चेन्नई सत जो कि लोगोवाल इंजीनियरिंग और औद्योगिक संस्थान के अध्यक्ष है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ह्यूज मैसेकल, महान जेद संगीतकार और विरोधी वर्णभेद कार्यकर्ता का निधन हो गया है, उन्होंने किस देश से स्वागत किया था। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और देखिए, हमें ये पता है कि हमें इनका रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो ह्यूज मैसेकल है ये किससे जुड़े हुए हैं, ये संगीतकारिता से जुड़े हुए हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए, इन्होंने यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो कि अपनी जोज रचनाओं और एक जो प्रसिद्ध विरोधी रंगभेद के गीतों के लिए इनको जाना जाता है। और इनकी यहाँ पे जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर है वहाँ इनका निधन हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सांस्कृतिक व्यंग्य 2018 भारत पर्व किस भारतीय स्मारक से संगठित होगा। तो वो होगा लाल किले से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, लाल किला। देखिए, जो भारत की जनता है, भारत के देशवासी है, उनके अंदर भारत के लिए देशभक्ति पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, ताकि जो भी है यहाँ की जनसंख्या, चाहे वो यंग वंस हो या जो कोई भी, उन सब के दिलों में यहाँ पे देशभक्ति पैदा करना इसका मेन उद्देश्य यही है। आगे चलते हैं। देखिए, ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर के केंद्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है। तो वो है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, चेन्नई के अंदर। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिकिस वाटर एक्वाकल्चर भारत के अंदर खारे पानी की एक जल संशोधन अनुसंधान है। इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक नोडल एजेंसी है। और संस्थान का जो यहाँ पे अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। और ये किसके ऊपर काम करता है, देखिए, ये यहाँ पे काम करता है कि इसके अंदर जो भी कृषि यंत्र से रिलेटेड है यानी कि कृषि अनुसंधान परिषद, इसके तहत ये यहाँ पे काम करता है। और जो इसकी नई साइट है वो नई दिल्ली के तहत ही अनुसंधान संस्थानों के अंदर से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 33वें महिला वरिष्ठ राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप में 63 किलोग्राम महिला श्रेणी की में कौन सा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुका है। तो वो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, राखी हल्दर। देखिए, ये यहाँ पे एक रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के एक लिफ्टर है राखी हेल्डर। इन्होंने 24 जनवरी 2018 को कर्नाटका के मंगलूर के अंदर एक 33वें महिला वरिष्ठ राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर एक चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है और जो कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवीनतम PwC 21 CEO सर्वेक्षण 2018 के अनुसार किस देश ने वैश्विक निवेश के लिए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, नवीनतम WPEC 21 CEO सर्वेक्षण 2018 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वैश्विक निवेश के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नाम आता है यहाँ पे चीन का, उसके बाद में जर्मनी का, फिर आता है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम का, और उसके बाद यहाँ पे नाम आता है भारत का। ठीक है, और उसके बाद फिर है जापान, ये सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और इसका जो सर्वेक्षण है वो अगले 12 महीनों में कम से कम भी दुनिया में आर्थिक और कारोबारी माहौल के अंदर CEO के बीच में आश्चर्यजनक विश्वास और आशा का पता चलता है। और इसी के मुताबिक यहाँ पे इस सर्वे के मुताबिक बात की जा रही है कि 24% ने 2018 के अंदर अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए, राहेल मॉरिसन ऑस्कर 2018 के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला छायाकार बन गई है, वह किस देश से है? तो वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इनका जो रिलेशन है वो किससे है, तो वो छायाकार से है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये कि कहाँ से थी, नाम क्या है इनका। तो राहेल मॉरिसन इनका नाम है, ये एक अमेरिकी है जो कि सिनेमेटोग्राफर है। इनको एक फिल्म जो कि जिसका नाम है मुडबाउंड, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इस इनके काम के लिए इनको यहाँ पे 19th यानी कि 90वीं अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और उसके अंदर चौंकने वाली बात ये है कि ये 89 जो कि साल के बाद में इतिहास में ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने झूरिक के कैंटन के साथ बहन राज्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, आंध्र प्रदेश के साथ में। देखिए, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने यहाँ पे मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने और उनके अंदर पारस्परिक समझौतों को बढ़ावा देने के लिए एक झूरिक के कैंटन के साथ एक बहन राज्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस बॉलीवुड व्यक्ति को 24वीं क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, शाहरुख खान को। देखिए, ये बहुत बड़े जाने माने नाम हैं शाहरुख खान का, ये एक सुपरस्टार है बॉलीवुड के अंदर। और इनको यहाँ पे स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 24वीं क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस क्यों किया गया है वो देखिए, इन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक चैंपियनशिप करने के लिए उसके नेतृत्व के लिए इनको यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। और शाहरुख खान को जो एल्टन जॉन और हॉलीवुड की एक अभिनेत्री है केंट ब्लिचेट, उनके साथ ही इनको यहाँ पे पुरस्कारित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर भी कर दीजिए और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक इन चीज़ों को ज़रूर पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।